सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स का पोषण ट्रैकर ऐप की एक और नई अपडेट में। तो बहनों, पोषण ट्रैकर ऐप में एक नया अपडेट आ चुका है 20.9। ये जो अपडेट आया है इसमें आप लोगों के लिए 6 इम्पोर्टेंट अपडेट आया है। सभी सेविका बहनों से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिएगा, क्या क्या अपडेट आए हैं उन सभी की जानकारी आपको इस वीडियो में क्लियरली मालूम चल जाएगी। आप लोगों को अगर आज की ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अन्य आंगनबाड़ी बहनों तक शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि आपको अपने प्ले स्टोर में आ जाना है। प्ले स्टोर में आने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है पोषण ट्रैकर। पोषण ट्रैकर लिख के जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आप लोग यहाँ से सिंपली इसको अपडेट कर लीजिएगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं, यहाँ पे एरो पे क्लिक करते हैं और क्या क्या अपडेट आए हैं इसके बारे में हम लोग यहाँ पे एरो पे क्लिक करके जानेंगे। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर वर्जन देख लीजिए, 20.9 का ये लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है। जो पहला इंपॉर्टेंट अपडेट है वो है लोकेशन पॉपअप इशू फिक्स। यानी कि पोषण ट्रैकर ऐप में जो आप लोगों को लोकेशन को लेकर इशू हो रहा था उस लोकेशन को यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण अपडेट है, आप सभी सेविका बहनें इसको ध्यान से सुनिएगा, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाइट चेक फ्रॉम प्रीवियस डाटा रिमूव्ड फॉर दिस मंथ। यानी कि आपके पोषण ट्रैकर ऐप में जो हाइट को लेकर इशू हो रहा था, आप लोगों को अगर ग्रोथ मॉनिटरिंग में कोई भी हाइट वगैरह जो है कि गलत भरा गया है तो उसको आप लोग इसी महीने सुधार कर लें, क्योंकि इसी महीने के लिए ये अपडेट आया हुआ है कि जितने भी सेविका बहनों से पोषण ट्रैकर ऐप में जो बच्चों का वृद्धि निगरानी होता है वहाँ पे गलत हाइट चढ़ गया है तो उसको आप लोग इसी महीने सुधार कर सकती हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है, आप लोग सुधार जरूर कर लीजिएगा। तीसरा यहाँ पे इम्पोर्टेंट अपडेट है कि बैंक डिटेल्स ऑफ AWW and AWH रिमूव्ड। यानी कि आंगनबाड़ी सेविका और आंगनबाड़ी सहायिका का बैंक डिटेल्स जो है उसको हटा दिया गया है। बैंक डिटेल्स जो आप लोग भरती थी, अपना IFSC कोड, बैंक का नाम, वो सारा डिटेल्स आप लोग को इस पोषण ट्रैकर ऐप से हटा दिया गया है, ठीक है। और चौथा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि EKYC वेरिफिकेशन फॉर आंगनवाड़ी वर्कर्स और आंगनवाड़ी हेल्पर्स इंट्रोड्यूस। यानी कि आप लोगों के लिए EKYC वेरिफिकेशन का ऑप्शन आंगनवाड़ी वर्कर्स और आंगनवाड़ी हेल्पर्स के लिए आया हुआ है, उसके बारे में हम लोग पोषण ट्रैकर ऐप पर चल के देखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो पाँचवा और छठा अपडेट है, माइनर बग फिक्स और ऐप ऑप्टिमाइजेशन, जो कि हर अपडेट के साथ आप लोगों को देखने को मिलता है। जो पोषण ट्रैकर ऐप में छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है उसको फिक्स किया जाता है, ठीक है। तो ये जो 6 अपडेट आए हैं इसमें से आप लोगों के लिए 4 अपडेट एकदम इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ से इसको अपडेट कर लेते हैं, उसके बाद पोषण ट्रैकर ऐप पे चल के आपको वो सारी डिटेल्स समझाएंगे, ठीक है। तो पोषण ट्रैकर ऐप जो है कि अपडेट हो चुका है, चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो देख सकते हैं कि पोषण ट्रैकर ऐप इस प्रकार से ओपन हो चुका है। चलिए हम लोग पहले अपडेट की ओर बढ़ते हैं, जो लोकेशन के लिए यहाँ पे बोला गया है कि लोकेशन पॉपअप इशू को फिक्स कर दिया गया है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करेंगे, लोकेशन वाले पे अपडेट AWC लोकेशन, यहाँ पे हम लोग अपडेट वाले पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप जब आंगनबाड़ी केंद्र पर रहेंगे तभी आप लोग इस लोकेशन को अपडेट कीजिएगा। यहाँ पे हम लोग यस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे वाइल यूजिंग द ऐप पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों का जो AWC लोकेशन है वो अपडेट हो जाएगा सक्सेसफुली। जो प्रॉब्लम हो रही थी आप लोगों को यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है, ठीक है। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं, दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के लिए है, जो सभी सेविका बहन है इसको आप लोग ज़रूर कीजिएगा। जैसे कि आप लोग पोषण ट्रैकर ऐप में किसी भी बच्चे का ग्रोथ मॉनिटरिंग करते हैं और आप गलती से आपने उसका हाइट ज़्यादा चढ़ा दिया है तो आप लोग उसको यहाँ पे सही कर सकते हैं। इसका ऑप्शन आ चुका है और ये जो ऑप्शन है वो आप लोगों को इसी मंथ करना है, हो सकता है कि बाद में ये ऑप्शन हटा दिया जाए, ठीक है। तो जितने भी आंगनबाड़ी सेविका बहन हैं इसको आप लोग ज़रूर कम्प्लीट कर लें। यहाँ पर हम 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, ग्रोथ मॉनिटरिंग पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे प्रीवियस रीडिंग दिखाएगा कि आपने यहाँ पे कब हाइट और वेट भरा है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि 75 सेंटीमीटर जो हाइट डाला गया है, हम यहाँ पे 74 करके देख रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे हम कर रहे हैं कि जो ये अपडेट आया है ये काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो हाइट है उसको घटा के नहीं डाल सकते हैं, बढ़ा के ही डाल सकते हैं, लेकिन इस अपडेट के अनुसार आप लोग यहाँ पे अब इसको सही कर सकते हैं अगर आप लोगों का हाइट वगैरह गलत चढ़ गया है तो, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पर हाइट को कम कर दिए हैं और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। ये आपसे पूछेगा कि आपने जो भी डिटेल्स डाला है वो सही है नहीं, तो हम यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे।
तो अभी देख रहे हैं कि हमारा जो है यहाँ पे सक्सेसफुली जो हाइट है वो कम करके डाला था और यहाँ पे कंप्लीट भी हो चुका है। तो सभी सेविका बहने यहाँ पे जो भी हाइट वगैरह है उसको आप लोग सुधार कर सकती हैं। ठीक है, चलिए हम लोग तीसरे अपडेट की ओर बढ़ते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण अपडेट है, आप लोगों को यहाँ पे आंगनबाड़ी सेविका और आंगनबाड़ी सहायिका का बैंक प्रोफाइल जो है उसको हटा दिया गया है। यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे सेविका के प्रोफाइल पर। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे हम व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि जो सेविका का प्रोफाइल है वो इस प्रकार से खुल के आ रहा है। पहले यहाँ पे बैंक डिटेल्स वगैरह सब मांग रहा था, उसको हटा दिया गया है और यहाँ पे अब बोल रहा है कि कंप्लीट EKYC, यानी कि आंगनबाड़ी सेविका का और सहायिका का EKYC यहाँ पे कंप्लीट करना होगा। ये आप लोगों का EKYC का जो ऑप्शन है वो चौथा अपडेट है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को पोषण ट्रैकर ऐप में ये नए अपडेट आए हैं। ठीक, चलिए हम सहायिका का भी यहाँ पे प्रोफाइल खोल के दिखा देते हैं। जैसे कि AWH प्रोफाइल हम खोलेंगे, यहाँ पे सहायिका का प्रोफाइल है। यहाँ पे भी आप ओपन करेंगे तो जो सहायिका का प्रोफाइल है कुछ इस प्रकार से खुलेगा। यहाँ पे भी जो उसका बैंक प्रोफाइल है उसको हटा दिया गया है और यहाँ पे बोल रहा है EKYC कंप्लीट, यानी कि आधार से आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का EKYC करना होगा। इसके रिलेटेड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि किस प्रकार से आप लोगों को EKYC करना है। इस वीडियो में बस इतना ही। आपके लिए यहाँ पर चार जो इम्पोर्टेंट अपडेट आए थे इसके बारे में हमने आपको क्लियरली समझा दिया है। जो दो अपडेट है ऐप ऑप्टिमाइजेशन माइनर बग फिक्सेस, वो छोटी मोटी प्रॉब्लम जो होती है उसको ठीक किया जाता है। तो आई होप आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अन्य आंगनबाड़ी बहनों तक जरूर शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।